तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? वेरी गुड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th के चैप्टर नंबर 1, लिविंग वर्ल्ड का टैक्सोनॉमिकल ऐड। आप जानते होंगे जो किसी चीज़ का जो ऐड होता है, ऐड का मतलब होता है उन चीज़ों के बारे में जानकारी देना। एक्चुअली जो टीवी पर ऐड देखते हैं या कहीं भी पेपर में ऐड देखते हैं या होर्डिंग देखते हैं, ये सब सारी चीज़ें का मतलब है कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जानकारी देना होता है। तो यहाँ भी जो टैक्सो आई होप कि आ रहा होगा। ओके, तो ये रहा टैक्सोनॉमिकल ऐड। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आइडेंटिफिकेशन किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वायरस हो, बैक्टीरिया कहीं भी है, किसी भी तरह के अननोन ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसको प्रॉपर जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है उसमें कैसे प्लेस करेंगे, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। तो ये टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या है, देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे द टैक्सोनॉमिकल ऐड। ओके, तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल ऐड। कितने तरह के हैं? हाउ मेनी टाइप्स? फाइव टाइप्स। वेरी गुड। तो सबसे पहला हम लोग इसमें करते हैं बोटैनिकल गार्डन। ओके, तो नंबर वन क्या है? बोटैनिकल गार्डन। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, हर्बेरियम लिख देते हैं, हर्बेरियम। नंबर टू, हर्बेरियम। नंबर थ्री, जूलॉजिकल पार्क। नंबर फोर, म्यूजियम। नंबर फाइव, की। तो देयर आर फाइव टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट टू नो द आइडेंटिफिकेशन, टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ एन पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जस्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट बोटैनिकल गार्डन एट फर्स्ट। नाम से ही स्पष्ट है, बोटैनिकल गार्डन मीन्स इसमें कुछ प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड होगा। नेम कोरिलेट विथ बोटैनिकल, दैट मीन्स प्लांट्स। तो निश्चित रूप से इसमें प्लांट से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। और बोटैनिकल गार्डन में क्या होगा कि अगर प्लांट को हम लिविंग फॉर्म में रेयर करते हैं या कल्टीवेट करते हैं या उसको लगाते हैं, तो वो सभी चीज़ क्या कहलाएंगे? बोटैनिकल गार्डन कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को ही लगाना बोटैनिकल गार्डन कहलाएगा। आप अपने टेरेस पर या अपने छतों पर या अपने दरवाजे पर भी किसी भी तरह का प्लांटेशन करते हैं, वो सभी एक तरह का बोटैनिकल गार्डन ही है, एक खास पर्पस के लिए। तो यहाँ भी बोटैनिकल गार्डन का जो पर्पस है वो है क्या है? आइडेंटिफिकेशन। किसी नए प्लांट्स के बारे में आप जानकारी लें, किसी नए प्लांट्स के बारे में जानकारी दें, उसका पूरा क्या है कि डिस्प्ले करें। जैसे आप किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होंगे तो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह प्लांटेड किए जाते हैं, कुछ जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, आप अपने घरों में भी लगाते हैं। तो ये सभी बोटैनिकल गार्डन का एक एक एग्जांपल है। ओके, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? बोटैनिकल गार्डन। तो नीचे सब ओमिट कर देते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बोटैनिकल गार्डन से। ओके, तो सब लोग यहाँ से लिख लीजिए बोटैनिकल गार्डन। वेरी गुड। अब एक एक पॉइंट होगा, यहाँ पर लिखेंगे द प्लेस वेयर प्लांट्स आर
propagated or placed in living forms. Means plant को living form में अगर कहीं रखा जाता है तो such place is known as botanical garden. क्या कहेंगे? Botanical garden. ये कहाँ होता है? तो लिखते हैं this is set up by educational institutions. Okay? कहाँ होगा? Educational institutions, colleges, schools, very good, and universities. ओके ये किसके कहाँ सेटअप होते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स ओके जहाँ पे हम लोग एजुकेशन लेते हैं वैसे इंस्टीट्यूशन पर, जहाँ पे बॉटनी की पढ़ाई होगी सपोज करिए वहाँ पर होगा, कॉलेजेज में होंगे, स्कूल्स में होंगे और यूनिवर्सिटीज़ में होंगे. ओके तो दीज आर द प्लेस नॉर्मली बोटेनिकल गार्डन्स आर फाउंड यार सेटअप. ओके अब इसमें होता क्या है बोटेनिकल गार्डन में, जब हम उसको बोटेनिकल गार्डन को विजिट करेंगे तो वहाँ प्लांट्स का नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है ना. द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट नेम, इट्स साइंटिफिक नेम प्लेस ऑफ ओरिजिन आर डिस्प्लेड. जब बोटेनिकल गार्डन में हम जाएंगे तो वहाँ क्या दिखेगा, सपोज करिए कि मैंगो का ट्री है, तो मैंगो के ट्री में उसका इंग्लिश नेम, उसका साइंटिफिक नेम, वो स्पेशली मिलता किधर है, उसकी फ्लावरिंग या उसमें फ्रूटिंग कब होती है, ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ पर डिस्प्ले मिलेगा, जिसको देख करके आप ये लर्न कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, ये किस मंथ में इसमें फ्रूटिंग होती है, किस तरह का उडी प्लांट है या सर्व है या हर्ब्स है. तो ये बच्चों को देखने के लिए बनाया जाता है बोटेनिकल गार्डन. तो यहाँ भी जो बोटेनिकल गार्डन है उसका पर्पस जो होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में रहने का मतलब है कि अगर यह सब्जेक्ट का स्टडी हो रहा है और बच्चे को अगर मैंगो प्लांट कभी नहीं देखा है या सपोज करिए कि कोई गुआवा का प्लांट नहीं देखा है, उसने पिक्चर में देखा है, बुक में देखा है लेकिन रियल में नहीं देखा है, तो बच्चों को ले जा करके वहाँ दिखा सकते हैं. तो वो बोटेनिकल गार्डन होता है फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस पर्पसेस. ठीक है, समझ गया. तो यहां लिखना है इट इज यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस पर्पसेस. ओके ये कहाँ यूज होता है? फॉर द स्टडी पर्पस और रेफरेंस पर्पस. ठीक है, जैसे हमने गुआवा प्लांट यहाँ बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया, लिख दिया, लेकिन आप नहीं जानते कि गुआवा प्लांट क्या है, तो हम आपको बोटेनिकल गार्डन में लेके चलेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि ये गुआवा प्लांट है, इसका ये नाम होता है, इसमें इस तरह का लीफ है, इस तरह का स्टेम है, वगैरह वगैरह इस तरह का प्लांट होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको बोटेनिकल गार्डन में डिस्कस हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. ओके तो यहाँ पर एक बार रिव्यू करते हैं बोटेनिकल गार्डन में क्या है. सबसे पहले द प्लेस वेयर प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड और प्लेस्ड इन लिविंग फॉर्म्स, ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे प्लांट को लिविंग फॉर्म में रखा जाता है. सो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? बोटेनिकल गार्डन. वेरी गुड. दिस इज सेटअप बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये सेटअप होता है. द इंफॉर्मेशन उसमें क्या होता है, तो द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट नेम, इट्स साइंटिफिक नेम, प्लेस ऑफ ओरिजिन आर डिस्प्लेड, ये सारे डिस्प्ले होगा डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर. इट इज़ यूज फॉर स्टडी एंड रिफरेंस पर्पस. बोटेनिकल गार्डन का जो यूजेज है क्या है, तो फॉर द स्टडी पर्पस और रिफरेंस पर्पस से यूज होता है. ओके अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको? कोई क्वेश्चन? एक दो इसमें आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पढ़ना है, जो एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं. ये ऊपर वाला सब आपने नोट कर लिया, इधर वाला? वेरी गुड. चलिए इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं. ओके तो बोटेनिकल गार्डन के कुछ जो एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में और स्पेशली
ये नीट में भी कई एक बार आ चुका है, कई एक साल आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक तो नीट में भी एग्जाम्पल आ चुका है, तो इसको आपको लर्न करना होगा, ठीक है ना। वो देखिए कौन कौन से है, तो सबसे पहला है रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में है। दूसरा है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी। थर्ड है इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो दीज आर द थ्री बोटैनिकल गार्डन्स विच आर वेरी वेरी फेमस, एंड ये अब हमको जान हम लोगों को जानना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी के जितने भी डेटा है वो निश्चित रूप से आप लोगों को गेट बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों आपको लर्न कर लेंगे। नंबर वन में क्या है पर हो तो इधर हेलो क्या है रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। नंबर टू नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ पर है लखनऊ। दूसरा इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ है हावड़ा, समझ में आ गया। नंबर वन फिर से रिपीट करिए सब लोग पढ़ेगा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ है लखनऊ यूपी। नंबर थ्री इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा, अंडरस्टैंड। तो दीज आर द बोटैनिकल गार्डन्स, ओके। तो लिख लिया आप लोग ये तीनों, समझ में आ गया आप लोगों को। इसके अलावा अगर इससे जो हमने डिस्कस किया है क्लासरूम में, अगर इसके अलावा कुछ आपकी क्वेरीज हो या कुछ आप जानना चाहते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई जो आपका मनपसंद टॉपिक हो जिसके रिलेटेड में आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि उन पर हम विशेष रूप से वीडियो बनाएंगे और आपको इससे मदद भी मिलेगी, ठीक है। आप लगातार इस चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, ठीक है। और धीरे धीरे आपका ये 11th इसी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो बायो प्लस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक भी करिए और अपने ग्रुप में इसको फैलाइए भी, स्प्रेड करिए ताकि सभी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं इससे फ़ायदा ले सके और हम लोगों को भी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।